हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। आई एम प्रभास कुमार। आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड मेंटोर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और दूसरा एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। एंड फॉर श्योर ऑफ सेलेक्शन प्लीज़ गो फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 to 24 मंथ प्लान। ठीक है, आई ऑलवेज सजेस्ट बच्चे कि आप 12 से 24 मंथ के प्लान लो। एक तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल कंपेरिजन टू 1 और 3 मंथ के। ठीक है, दूसरा ये है कि एग्ज़ाम एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उसमें जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है सारी नीड यहाँ पूरी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो आपके टेस्ट सीरीज हो या मटेरियल्स हो, सारे अपडेटेड मिलते हैं आपको। अगर करंट अफेयर की बात करें तो वो बेसिकली साल से 1.5 साल पुराने क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो उसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो सारा चीज़ इस तरह का मटेरियल बनाया जाता है कि आपके एग्ज़ाम में वो डेफिनेटली आपको मदद करेगा। आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लें तो आप ये कोड रेफरेंस यूज करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको तुरंत 10% का जो कोर्स का फी 1 साल का 6,000 पड़ेगा वो 5,400 पड़ जाएगा, और जो 7,200 का कोर्स है वो 6,480 पड़ेगा। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ June 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच क्लब हैज़ वॉन 2019-20 कोपा इटालिया कप? ए नापोली, बी कोपा इटालिया, सी बेंगलुरु FC एंड डी आसाम FC। द राइट वन इज 1 नापोली। हु वॉज अपॉइंटेड एज द CEO प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन? ए संजय चतुर्वेदी, बी विनय दुबे, सी समंथा राय एंड डी निराकर प्रधान। तो राइट आंसर है निराकर प्रधान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपेलरी? ठीक है, ए गूगल, बी फेसबुक, सी माइक्रोसॉफ्ट एंड डी TCS। द राइट आंसर इज फेसबुक। सभी यूज करते हैं और जुकरबर्ग इसके। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली वेरा लिन पास्ड अवे, सी वॉज रिलेटेड टू विच फूड? ए सिंगर, बी फिलोसफी, सी एक्टर एंड डी जर्नलिस्ट। द राइट आंसर इज 4th का ए, सिंगर। ठीक है, वॉट इज द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? ए योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, बी है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, सी है योगा फॉर पीस एंड डी फॉर योगा फॉर हेल्थ। तो राइट आंसर है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि योगा आप लोग भी कीजिए डेली बेसिस पे, इसका बहुत फ़ायदा है। एक तो कंसंट्रेशन बढ़ता है और दूसरा आपका मेमोरी पावर भी बढ़ता है। ठीक है, आप इससे आपका मानसिक संतुलन भी बना रहता है। ठीक है, तो योगा जरूर करिए। ठीक है, योगा डे पे इस बार योगा करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, द इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली 21 जून। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी इज बिल्डिंग अ न्यू सीमेन स्टेशन टू मेक इट मोर ट्रांस फ्रेंडली? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी नोएडा एंड डी पुणे। द राइट आंसर इज सी नोएडा। ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको याद रखें, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अगर ऐसे पूछ दूँ कि लखनऊ में किसका हेडक्वार्टर है सर, तो ये सब याद रख लीजिएगा, सिडबी। सिडबी स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, दिल्ली में किसका है? तो एक PNB, पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, ये याद रख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो
तो ये याद रख लीजिएगा, पीएनबी और पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पुणे में, ठीक है। नोएडा में किसका हेडक्वार्टर है? नैसकॉम का, NASSCOM, नैसकॉम। व्हाट इज द करेंसी ऑफ फ्रांस? ए क्रोन, बी पैसो, सी डॉलर, डी यूरो। द राइट आंसर इज यूरो। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फ्रांस पेरिस हो गया, तो पेरिस में कौन कौन सा हेडक्वार्टर है, किस किस का? तो एक FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, OECD, ठीक है, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट अवार्ड, यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग? ये तो बहुत ही आसान है। ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी गुरुग्राम, डी चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत, ये याद रखेंगे, अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेज अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इज इन हाउ मेनी स्टेट्स? A7, B4, C5 एंड D6। द राइट आंसर इज D6, ठीक है। तो इसको याद रखें। विच कंट्री विल बी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट फॉर अगस्त 2021? ए इंडिया, बी चाइना, सी नेपाल एंड डी भूटान। तो राइट आंसर इज ए इंडिया। तो इसको याद रखेंगे, सिंपल है, किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे। विच इंश्योरेंस कंपनी हैव टाइड अप विथ ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस फॉर पेपरलेस EKYC सर्विसेज? ALIC, बी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, सी IDBI एंड डी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट क्या है, फिर से एक बार बताते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज टाइड अप विथ ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस फॉर पेपरलेस EKYC सर्विस? तो राइट आंसर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो सारे चीज़ों को याद रख लेंगे, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो अगर ये सेशन पसंद आए तो ये बेल आइकन को हिट कर दीजिए और मेरा कोड जरूर यूज़ कीजिए, दैट इज़ प्रभास, PRABHASH, प्रभास। जैसे ये कोड यूज़ करेंगे तो 10% का इमीडिएट डिस्काउंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर कमिंग वीडियोज़, ठीक है, और YouTube पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आप अपने सजेशंस, क्या चाहिए, क्या चीज़ और ऐड किया जाए कि आपके लिए वो और इम्पोर्टेंट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिए। तो कोविड के केस में आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए इन सब चीज़ों से, अब प्रिपरेशन जम के करना है आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।